नवनियुक्ति भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान पहुंचे लाल कुआ, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वे पूरी निष्ठा व पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए जो भी कार्य होगा उसको वो शासन व प्रशासन के माध्यम से सरकार के स्तर पर उसको उठाएंगे और उसके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वह पहले भी पार्टी के विभिन्न पदों में रहे हैं और पार्टी के द्वारा उनको पहले भी कई जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनको उन्होंने निष्ठापूर्वक पूरा किया है। सरकार के द्वारा उनको पहले राज्य आंदोलनकारी भी रहे प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष व लोकसभा क्षेत्र में सह संयोजक की जिम्मेदारी तक उन्हें पार्टी के द्वारा पहले दी जा चुकी है तो और पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, इस कारण पार्टी ने उन्हें आज प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। वहीं अनिल चौहान ने यह भी कहा कि हमारी भाजपा सरकार जीरो टोलरीज की सरकार है और आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम लोग तो पार्टी से क्योंकि काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे, राज्य आंदोलनकारी से लेकर प्रधान संघ अध्यक्ष तक मैं पदों पर रहा हूँ। आज पार्टी ने वही सबको देखते हुए मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और उसको पूरी निष्ठा के साथ मैं जिम्मेदारी को निभाऊंगा और जितने भी अपने हमारी जितने भी समस्याएं हैं या किसानों के लिए हमने सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है इन सब के बारे में अब जनता को अवगत दिखाएंगे। देखिए, मैंने अपनी छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की, ग्राम प्रधान रहा, प्रधान संघ का जिलाध्यक्ष रहा, पंचायत प्रकोष्ठ का संयोजक रहा, लोकसभा का संयोजक रहा, इससे पहले वाली लोकसभा का भी संयोजक रहा, विभिन्न विभिन्न दायित्व पर मैंने रहा हूँ मैं। और राज्य आंदोलनकारी में हमने 22 दिन तक फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में भी रहे। अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल में तमलुक एक लोकसभा थी उसमें भी एक जिम्मेदारी निभाई है। तो विभिन्न में रहते हुए पार्टी ने कहीं ना कहीं सब इन बातों को देखा है और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। तो हमारी इस आपको पता ही है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है हमारी और इतनी विभिन्न योजनाएं हमारी चल रही हैं और उसमें लगता है पूरे विधानसभा में हम पूरे आपकी बहुत इससे अधिक सीटें जो होती हैं उससे भी अधिक सीटों पर हम विजयी होंगे।